तो दोस्तों, जो हमारा जो उत्तराखंड हिल्स है, इसमें अनेक प्रकार की सुंदरता, एक प्रकार से स्वर्ग भी कहा जाता है। जो हमारे उत्तराखंड में ऐसी सुंदरता देखी जाती है अनेक प्रकार की, जो यहाँ पे अभी तक कोई इस जगह पर आया नहीं है, जैसे टूरिस्ट हो गया, कोई भी ऐसा लोग यहाँ पे पहुँचा नहीं है जो कि इसकी सुंदरता अभी भी बरकरार बनी हुई है। तो मैं ऐसी सुंदरता आपके बीच दिखाते रहता हूँ, पहाड़ जो हमारे उत्तराखंड हिल्स है ऐसी चैनल से। तो देखें, हमारे उत्तराखंड की अनेक प्रकार की सुंदरता से मैं रूबरू कराते रहता हूँ, जो हमारे उत्तराखंड में जो दैविक शक्ति से भरे हुए, जो हमारे हिमालय पहाड़ यहाँ पे सुंदरता से भरे हुए हैं। तो आइए, ले चलता हूँ मैं आपको। खूबसूरत वादियों के बड़े पहाड़ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे होते हैं, जो हमारे उत्तराखंड में। दोस्तों, यहाँ पर देखें जो बड़े बड़े जंगल होते हैं, तो इन जंगलों की कहानी कुछ अजीब होती है। यहाँ पर डरावने भी जंगल होते हैं, तो मैं दर्शन कराऊंगा ऐसी गुफा की जो पहाड़ियों के बीच, जहाँ पे सतयुग में देवी देवता रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये पत्ती दिखाई दे रहे हैं, तो ये पत्ती दो देखें दोस्तों, ये पत्ती जो है गाय भैंसों के, जो पहाड़ी भाषा में हुतौर बोलते हैं जिसको, उस पर उपयोग में ये इनको लाया जाता है। तो देखें इस तरह की यहाँ पर पत्ती, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वनस्पति किस तरह से यहाँ पर जमे होते हैं, धरती से उगे होते हैं। तो पहाड़ क्षेत्रों की ऐसी सुंदरता है, जो ये यहाँ पर बड़े बड़े विशाल पेड़ होते हैं, देखें दोस्तों, इनकी भी कहानी कुछ अजीब होती है, जो हमारे उत्तराखंड में ऐसी टाइप के पेड़ होते हैं। तो देखें यहाँ पर प्राचीन गुफा जो पत्थरों के अंदर बनी हुई है, यहाँ पर देखें किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की गुफाएँ देखी जाती हैं, जहाँ पे पहले से ऋषि मुनि यहाँ पे इन गुफाओं में रहते थे, जो आज भी इन गुफाओं का रहस्य यहाँ उत्तराखंड में देखा जाता है। देखें दोस्तों, कितनी बड़ी चट्टान पे भरी हुई ये गुफा है, ये देख सकते हैं। तो ये बड़ी दूर दूर तक फैली हुई है ये गुफा, तो बड़ी लंबी गुफा है ये। तो इसके अंदर पहले ऋषि मुनि तो अनेक प्रकार के यहाँ पर तप करते थे, आजकल यहाँ पर जो है शेर भालू रहते हैं इन गुफाओं में। तो दोस्तों, यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो अनेक प्रकार के इन जंगलों में जड़ी बूटी पाई जाती है, जिनको ढूंढना जानने वाला चाहिए, नहीं तो इन पे काफ़ी ये यहाँ पर उपयोगकारी होते हैं। तो मैं ऐसी जड़ी बूटी दिखाऊंगा, जो जड़ी बूटी यहाँ पर उत्तराखंड में अभी तक जो लोग घरेलू उपयोग में काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं, जो गाय भैंसों के जो बीमार होने में काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं, ये जड़ी पहाड़ों में पेड़ों में उगती है। ये जड़ी दोस्तों गाय भैंसों के जो बीमार होते हैं, गाय भैंस उसके उपयोग में इसको पीस के काम में लाया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटी इन पेड़ों पर ही उपलब्ध होती हैं, जिनको जानने वाला चाहिए बस। तो पहाड़ क्षेत्र में ऐसी ही उत्तराखंड हिल्स में अनेक प्रकार की ऐसी जड़ी बूटी से रिलेटेड जो बड़े बड़े जंगल होते हैं, जिन पर अभी भी यहाँ पर लोग पहुँचे नहीं हैं, हम ऐसी चैनल से आपको जहाँ पर लोग जाते नहीं हैं उसकी सैर कराते रहते हैं। तो देखें, जड़ी जो गाय भैंसों की काफ़ी उपयोग में लाई जाती है पहाड़ी क्षेत्र में। देखें दोस्तों, यहाँ पे चराने के लिए लोग लाते हैं, तो यहाँ पे इनका एक इन पहाड़ की सुंदर वादियों के बीच देख सकते हैं कितने बड़े चट्टान यहाँ पे और पेड़ पौधे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो गाय बच्ची चरने के लिए आते हैं, किस तरह से इनका रास्ता बना होता है। तो thank you.